ये जो आवाज है कितना सूदिंग लगता है ये बर्ड्स की। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस चक्रवर्ती। तो अभी बज रहे सुबह के 9, तो मैं ब्लॉग को आज यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हर दिन के ऐसा जैसे मैं इस पर अपने चैनल पर डेली ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, अभी बज रहे सुबह के 9। तो यहाँ अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज डिये। मैं इस चैनल पर डेली ब्लॉग्स, कुकिंग रेसिपीज एंड ऑल्सो अगर कुछ लाइफ में करना होता है तो वो शेयर करती हूँ इस चैनल के थ्रू। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला वो है कि मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग में आगे आपको दिखने को मिलेगा वो। और अभी सुबह हो गया है तो मैंने चाय बैठा के, ये देखिए चाय मेरा ऑलरेडी उबल चुका है, मतलब ये पक गया है। तो दिन को आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पानी कम, दूध ज़्यादा। ये जो कलर है, I don't think इससे ज़्यादा अच्छा कलर कुछ हो सकता है। चाय is done। ये बन गई मेरी चाय। मैं और मम्मी अब चाय को एंजॉय करते हैं और दिन को स्टार्ट करते हैं। सो मैं जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये कि दिख रहा हो, हाँ, चिंगड़ी माच, इसको इंग्लिश में श्रिम्प भी बोलते हैं। इसका एक बड़ा सा साइज होता है जिसको प्रॉन बोला जाता है, बट ये छोटा वाला है तो इसको श्रिम्प बोलते हैं। तो इसका ही रेसिपी मैं आज आलू दे के, एक बंगाली डिश है चिंगड़ी माच आलू दिए तोरकारी जो होता है वो मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू ले लिया है, चार बॉयल आलू है मीडियम साइज़ का। आप कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, एकदम छोटे छोटे पीसेस कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज लिया है, दो हरी मिर्च, और ये श्रिम्प जो चिंगड़ी माछ है उसको हल्दी और नमक डाल के बस ऐसे ही फ्राई किया हुआ है। ये है आपका ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, टमाटो प्यूरी, ये जितना आपको चाहिए, मतलब ज़्यादा खट्टा नहीं करना है तो मैं इससे यूज़ कर लूँगी, दिखा दूँगी मैं। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता, गरम मसाला, मीट मसाला, हल्दी, नमक। तो चलिए, यही है इंग्रेडिएंट्स। ज़्यादा कोई तामझाम, मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं, बस ब्लॉग के ये मैं कुकिंग करती हूँ रोज़, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए झटपट सा। ये भी रेसिपी है, मैं ऐसे दिखाती हूँ कि बैचलर भी ये जो है वो बना सकते हैं बिल्कुल ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो हम लोग इसको जो है मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, मिर्ची भुन जाने के बाद हम इसमें प्याज भी ऐड करते हैं। इसको हम ब्राउन होने तक, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बट समहाउ थोड़ा जो लाइट ब्राउन होता है वो वैसे हमको इतना भून लेना है, ये भून जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर प्याज जो है हमारा, हमको इतना ब्राउन करना है जैसा कि आप देख सक पा रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी,
अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, एक चम्मच और थोड़ा सा इनफ। इसको भी हम भून लेंगे, इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें का जो जो रॉ स्मेल है वो चला ना जाए। इस टाइम पे मैं जो है फ्लेम जो है वो मीडियम लो मीडियम हीट पर कर दूँ क्योंकि मसाला जो है वो जल जाएगा उन्हें। फिर आप सिम करके पकाइए। इसी टाइम में हाफ टी स्पून हल्दी डाल दूँगी मिलाने में, जो भी पाउडर मसाला है वो मैं डाल दूँगी। अभी अभी सॉल्ट जो है मैं इतना डाल रही हूँ, छोटा सा स्कूप है ये इसमें। हल्का सा पानी डालूंगी, बहुत ही एकदम हल्का सा, क्योंकि कढ़ाई में नीचे जो मसाला लग रहा है वो आपका जो है वो इसे जलेगा नहीं। इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं। दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें जो है टमाटो प्यूरी यूज़ करूँगी, इतना काफ़ी है दो चम्मच, क्योंकि ये टमाटो बहुत ही खट्टा है, ये मैं दो चम्मच ही यूज़ करूँगी वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर भी यूज़ करूँगी। देखिए मिर्च नहीं खाती हूँ, नहीं खाते हम लोग क्योंकि वो थोड़ा बॉडी के लिए ठीक नहीं है, पेट के लिए, और खासकर गर्मी हो रहा है तो इसमें ये वाला मैं डाल रही हूँ ताकि इससे थोड़ा सा कलर भी अच्छा हो जाता है। तो अब इसको भुनने देते हैं 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम आलू मिक्स करेंगे, उसको वो जब पूरा मसाले के साथ डिजॉल्व होगा देन हम लोग इसमें फिश ऐड करेंगे। यहाँ पे कुकिंग हो रहा है मेरा वो, एंड मैं यहाँ पे बैठी हूँ। गर्मी में खाना बनाना मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है और ऊपर से किचन में काम करना है, इज़ रियली टफ। बट क्या करें, कभी कभी नहीं, मैं और रेगुलर बेसिस पे कुकिंग करती हूँ, घर पे हूँ तो डेफिनेटली हम सबको सारा काम मम्मी ही क्यों करें, हम लोगों को भी हेल्प करना चाहिए, राइट? तो इसलिए और जब मुझे कुकिंग पसंद है तो थोड़ा सा हेल्प करना लाइक अच्छा है, आपको करना चाहिए। सुया वो धीरे धीरे वो बन रहा है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा मसाला भून जाए देन उसमें आलू ऐड करेंगे, वो उसको भी भूनेंगे, देन चिंगड़ी मच जो है श्रिम्प है जो श्रिम्प फ्राई किया हुआ मैंने आपको दिखाया वो करेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा सा भून के गर्म मसाला और मीट मसाला डाल के हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको अच्छे से फ्राई करके एंड देन उसमें धनिया पत्ता ऐड करके दैट्स इट। बहुत ही अच्छा लगता है आप चावल के साथ, चावल दाल के साथ ये खाए या फिर चावल के साथ, सिर्फ बहुत अच्छा टेस्ट करता है, आप ट्राई करके देखिए। ये देखिए मसाला जो है हमारा पूरा तेल छोड़ चुका है तो इसमें अब मैं आलू ऐड कर दूँगी। अब चाहे अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, बट लोग बंगाली हैं तो आलू हमें हर चीज़ में पसंद है, मटन हो चिकन हो। एंड ये आलू चिंगड़ी का ही तरकारी है, मतलब इसमें आलू होना चाहिए तो अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी थोड़ा भून लेते हैं ताकि आलू का जो वो बॉयल करने के बाद जो स्मेल होता है वो निकल जाए। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं देन इसमें फिश ऐड कर देंगे। तो आलू भी हमारे यहाँ पर भून गया है, और अगर आपका मसाला अगर नीचे से लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग। तो ये मसाला हमारा आलू के साथ भून गया है। अब मैं इसमें जो है ये जो फ्राइड श्रिम्प है चिंगड़ी मच इसको ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छे से इसको मिला लेना है। एक हाथ से पकड़ के स्टैंड को, एक हाथ से रिकॉर्ड करना है, टू टफ। आई लव कुकिंग, मैं दिखा रही हूँ इसे। तो ये देखिए ये इसके साथ पूरा मसाले के साथ कोटेड हो गया आलू, और ये अब हम इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक, एंड देन विल ऐड वाटर इन दिस, एंड उसके बाद जब वो थोड़ा सा
थोड़ा सा करी करी मैं रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का। तो दिखा दूँगी मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी कैसी रहेगी। उसके बाद धनिया पत्ता, गरम मसाला देके मैं इसको बंद करने वाली हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई, यहाँ पे मीट मसाला आप ऐड कर लीजिए और जितना भी पाउडर है। मीट मसाला कम से कम हाफ टी स्पून, मीट मसाला, उसके बाद हाफ टी स्पून आपको जीरा पाउडर डालना है। यहाँ पे सारा पाउडर मसाला आप डाल दें, हाफ टी स्पून आपको धनिया पाउडर, एंड दैट्स इट। पाउडर मसाला में हम लोग बस इतना ही यूज करेंगे फिलहाल के लिए, और इसको मिला लेंगे। और मसाला आपका जले ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से इसमें इतना, जस्ट इतना इतना, मतलब 2 चम्मच होगा उतना पानी मैं इसमें डालूंगी, ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से कोट हो जाए। और ये मतलब मसाला जो है आपका पाउडर मसाला हम लोगों ने ऐड किया था, वो जले ना। अब हम इसको भून लेंगे। ये देखिए कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, ये भुन जाए, इसमें से तेल बाहर आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप जैसे हम लोग चिकन मटन को कैसे कसते हैं मसाले को, वैसे ही हम लोग इसको कसेंगे। देखिए ये साइड से ये पूरा तेल निकल चुका है, तो हमारा ये जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो इसमें अब हम अपने नीड के अकॉर्डिंग पानी मिला देंगे। मैं दिखा देती हूँ कितना मिला रही हूँ। इतना पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी टाइम पे आप एक बार जो नमक है वो चेक कर लीजिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दीजिएगा। मैंने चेक किया है, परफेक्ट है, तो मैं इसमें नहीं मिलाऊंगी। श्रिम्प को भूनते वक्त भी इसमें नमक डाला गया था। और बस अब इसको लास्ट में धनिया पत्ता के साथ, अभी ये 5 मिनट और पके, उसके बाद मैं इसको फाइनल इसका टच दिखाती हूँ। इतना पानी मैंने डाला अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि राइस के साथ खाना है तो काफ़ी है। हमारा ये जब खोल रहा है तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, MDH का ही यूज करती हूँ, ये ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं होता। इसमें छोटा सा 1/2 टीस्पून इतना गरम मसाला, बस ये पूरा रेडी हो चुका है। ये पक जाए 5 मिनट, उसके बाद इसमें धनिया पत्ता से गार्निशिंग करके इसको बंद कर देंगे, एंड बस हमारा ये पक जाएगा। सो ये देखिए ये पक के 5 मिनट के बाद ऐसा हो गया है, ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पे मैं जो कोरिएंडर लीव्स है वो ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा एक अरोमा आता है। इट्स डन। 1-2 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, एंड उसके बाद ये ऑल सेट टू सर्व। बिल्कुल गाढ़ी सी हो गई है, दाल चावल के साथ परफेक्ट है खाने के लिए। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर आया कश्मीरी वर्ष की वजह से। तो देखिए
या हम लोग लंच वंच करके सो गए थे एंड रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था. तो अगर आप भी ऐसे, अगर आपको आप फिश लवर है और अगर आपको ये श्रिम्प छोटी वाली जो है जिसको चिंगड़ी माछ बोलते हैं हम लोग, आई थिंक हिंदी में इसको झींगा मछली बोलते हैं, आई डोंट नो, तो अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली इस डिश को ट्राई कर सकते हैं. आपको पक्का मतलब फॉर श्योर पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी है. तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा. एंड ऑल्सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो वो रेड कलर का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. आपका तो अब ये है तो बिल्कुल फ्री, बट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आगे और वीडियोज़ डालूँ. सो या विद दिस नोट मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ. डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विद टू मिस चक्रवर्ती. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. Thank you.